नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। जालौन के नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। देखते ही देखते वो आग की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। बता दें कि उरई कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से भाग रही कार चुरखी बाईपास चौराहे के समीप आकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। खंडक में गिरते ही उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसा देख स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आग की लपटों से जूझ रही कार में फंसे चालक को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जालौन यूपी से विक्की प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजकिशोर। तो ये क्या घटना हुई, क्या है? ये गाड़ी आ रही थी, एक्सीडेंट में नीचे घुस गई, आग लगी उसमें। अच्छा, तो कोई हताहत हुई क्या? नहीं, हताहत हुई है, ड्राइवर था तो ड्राइवर को बचा लिया गया। अच्छा, गाड़ी जलकर? गाड़ी जल गई है बिल्कुल, उसको हम लोग बुझा दिए। कितनी देर पहले घटना है ये? करीब है आधा घंटा। ये जगह कौन सी है? ये है करना बाईपास, भगौरा बाईपास। हाँ, भगौरा बाईपास। सामने कहाँ से आ रही थी गाड़ी? हम लोग बाई सुर्खी रोड होके इधर से आए हैं बाईपास पे। मजे की घटना है, सामने से जो TUV 300 आई, डायरेक्ट बहुत स्पीड में थी, 80-85-90 की स्पीड में थी। डायरेक्ट वो सामने वाले प्लॉट की दीवार में लगी। यदि पलटी खाई तुरंत आग लग गई इसमें। आग लगाने के बाद मैंने अपने पैरों से उसका कांच फोड़ा। कांच फोड़ने के बाद जैसे उसे बाहर निकाला, 2-3 पुलिस वाले भी आ गए, पीछे से पुलिस की गाड़ी लगी, उनने बहुत सारी हेल्प की। गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं था? गाड़ी एक बंदा था, उसको हम लोगों ने निकाला है। चोट भी लगी है।